हाय, मैं हूँ सार्थक त्रिपाठी। मैंने फिटजी ज्वाइन किया था क्लास 9th में, और फिर उसके बाद टीचर्स ने मेरे को बहुत हेल्प किया मेरे डाउट्स क्लियर करने में, और मेरे को बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में मुझे टीचर्स समझाते थे, और मुझे बहुत अच्छे से समझ में भी आता था। फिर जब 11th में KVPY हुआ, तो KVPY मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हुआ। लेकिन उसके बाद भी मेरे टीचर्स ने मेरा कॉन्फिडेंस रेज़ करने के लिए काफ़ी कुछ किया। फिर 12th आया, फिर 12th में मैंने काफ़ी मेहनत करी 11th के कंपेयर में। फिर 12th का KVPY भी मैंने क्लियर किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस और लेवल अप हुआ। फिटजी के जो टीचर्स थे बहुत अच्छे से रेगुलर नोट्स बनवाते थे, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे रिवाइज रेगुलरली करें, जैसे मैंने किया। तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रिवाइज करना हर चीज़ को सही टाइम पे। तो फिर उसके बाद फिर CBSE बोर्ड्स आए। बोर्ड्स में काफ़ी आसान पड़ा, क्योंकि हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाए थे। तो मैंने फिर इम्पॉर्टेंट और क्विक जो नोट्स सर बनवाते थे हमें, मैंने उसको अच्छे से रिवाइज किया, और क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक सर लगाए जो सर ने मुझे लगवा के कहे थे। और फिर एडवांस का दिन आया, उससे एक दिन पहले बहुत इम्पॉर्टेंट था कि मैं कूल रहूं, रिलैक्स रहूं, और सर ने भी मेरे से यही कहा था कि एडवांस से एक दिन पहले बहुत रिलैक्स रहना है। फिर एडवांस के दिन मैंने प्रेशर फील नहीं किया, तो फिर मैंने एडवांस दिया। फिर मेरा रिज़ल्ट भी सेटिस्फैक्ट्री है जी एडवांस में मेरे को, और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा क्रेडिट मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को जाता है। तो मैं टीचर्स का बहुत तहे दिल से थैंक यू करता हूँ